तो रूस यूक्रेन जंग का आज 14वां दिन है। लगातार 14 रोज से ये जंग मुसलसल जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूसी हमले में आर्टियोम की मौत हो गई है। सैम्बो खेल का चैंपियन था आर्टियोम। आर्टियोम की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। रूस की एयर स्ट्राइक में मारा गया आर्टियोम। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच कई झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यूक्रेन के सूमी शहर से सामने आई है। आपको बता दें, यहां से रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में 16 साल के आर्टियोम प्राइमेको की मौत हो गई है। आर्टियोम प्राइमेको सैम्बो खेल में यूक्रेन के चैंपियन खिलाड़ी थे। रूसी हमले में आर्टियोम प्राइमेको के साथ उसके दो भाइयों समेत पूरा परिवार मारा गया है। तो आर्टियोम समेत उसके अहले खाना की मौत हो गई है रूस यूक्रेन जंग के दरमियान। इस वक्त का बड़ा अपडेट बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर, रूसी हमले में आर्टियोम की मौत हो गई है। सैम्बो खेल का चैंपियन था आर्टियोम। आर्टियोम की उम्र सिर्फ 16 साल थी जिनकी मौत हो गई है, और साथ ही साथ आर्टियोम के अहले खाना भी रूस की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच कई झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर यूक्रेन के सूमी शहर से सामने आई है। यहां रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में 16 साल के आर्टियोम प्राइमेको की मौत हो गई है। आर्टियोम प्राइमेको सैम्बो खेल में यूक्रेन के चैंपियन खिलाड़ी थे। रूसी हमले में आर्टियोम प्राइमेको के साथ साथ उनके दो भाइयों समेत पूरा परिवार मारा गया है। तो आप तस्वीरों में देखिए, जंग में झुलस गया है पूरा बचपन। आर्टियोम प्राइमेको की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की जानिब से एयर स्ट्राइक हुआ और जिस एयर स्ट्राइक में आर्टियोम की मौत हो गई है। आर्टियोम के दो भाइयों समेत उसका पूरा परिवार इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। तो लगातार रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर आवाम हो रही है। यूक्रेन के आम शहरी इस जंग से पूरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वहीं कई बचपन इस जंग में झुलस गए हैं बच्चों के। तो आप आर्टियोम की तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ 16 साल की उम्र थी आर्टियोम की। और आर्टियोम ही नहीं, आर्टियोम के साथ उसके दो भाइयों समेत पूरा परिवार इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। वहीं आर्टियोम प्राइमेको सैम्बो खेल में यूक्रेन के चैंपियन खिलाड़ी थे। कई मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब उनका खेल का सफर भी खत्म हो गया है।